एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है, वो बताते हैं दर्शकों को। सीएम फेस को लेकर बीजेपी में अभी भी मंथन चल रहा है। कल पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई। पीएम मोदी ने अमित शाह के साथ बैठक की। तीन राज्यों के सीएम को लेकर चर्चा की खबर सामने आई थी। कल ही अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी बैठक की थी। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नीरज पांडे लगातार नजर बनाए हुए हैं। नीरज, बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन सा पैमाना है जिस पर तोला जा रहा है कि अभी तक मुख्यमंत्री का नाम क्लियर नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अभी 2024 का चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को। 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है आगे में, यानी कि भाजपा ने जो तय किया है रिकॉर्ड, उसके हिसाब से 400 पार का उन्होंने एक नया नारा दिया है। तो भाजपा ऐसे में बहुत सोच समझ के मुख्यमंत्री कौन होगा ये सारे फैसले कर रहा है। अभी केवल मुख्यमंत्री की बात नहीं है, मुख्यमंत्री के बाद मंत्री कौन होंगे, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे, तो इन सब में थोड़ा समय लगता है। सारे जो है जातिगत समीकरण सेट किए जाते हैं, चेहरा जो सीएम का हो वो कितना पार्टी के लिए लाभदायक होगा, और फिर ये भी देखा जाता है कि पार्टी को चूंकि लंबे समय तक सस्टेन रखना है, तो इसलिए फ्यूचर में कौन कितने दिन तक चलेगा, ये सारी चीज़ें हो रही। तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी इस पर मंथन कर रही। पिछले तीन दिनों में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी देर रात तक बैठक अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में हुई, अमित शाह प्रधानमंत्री के बीच में बैठकें हुई। तो इन बैठकों का लब्बुलवाब यही है कि कहीं ना कहीं पार्टी एक सही चेहरे की तरफ बढ़ रही है। अब आज जो कि वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई, देर रात करीब 12 बजे वो लैंड की और उसके बाद सीधा वो अपने घर पहुंची। अभी भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो उस समय वो अपने जो लेखा विहार स्थित उनका जो घर है उसमें मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि वो उन्हें बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ, उनकी बहू बीमार है, उनको देखने जा रही हूँ। तो ये बहुत सारे अलग अलग आयाम है, क्योंकि वसुंधरा राजे दिल्ली आई हैं, आला कमान से मिलेंगी, नहीं बोल रहा है बहुत सारे अभी भी संवाद खुलकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि कोई दूसरा नाम भी सामने आ सकता है। मनीष शर्मा जयपुर से जुड़े हुए हैं, ये जान लेते हैं। मनीष, एक बात बताइए कि जो पूरा चुनाव है उसमें वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर तो गायब दिखी थी, उनमें उतनी बात मतलब वो कैंपेन उतना नहीं कर रही थी और बीजेपी ने भी उसको साइड किया था। पीएम के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा, पीएम के फेस पर चुनाव लड़ा, तो अभी क्या हो सकता है, कहां पेच फंसा हुआ है? विवेक, दो बात तो बिल्कुल क्लियर है। ये बात जो आपने कही कि वसुंधरा राजे को पार्टी ने अधिकृत तौर पर कभी भी अपने कैंपेन का हिस्सेदार नहीं बनाया, ना ही किसी समिति में वो शामिल थी, लेकिन बावजूद उसके वसुंधरा राजे ने पूरे राजस्थान में घूम घूम कर तकरीबन 49 प्रत्याशियों के लिए 50 से ज़्यादा सभाएं की, तो और उसके बाद 36 प्रत्याशी जीत करके भी आए। तो कैंपेन में वसुंधरा शामिल रही अपनी तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल कि पेच कहाँ फंसा है। पेच फंसा है विवेक तीनों राज्यों में, क्योंकि रमन सिंह, शिवराज चौहान और दूसरा इसके अलावा मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे का नाम, अगर तीनों जगह पर पुराने चेहरों को लाया जाता है तो यकीन मानिए वसुंधरा के अलावा दूसरा कोई नेता राजस्थान में नजर नहीं आएगा। लेकिन लगता है कि बीजेपी ने अपने फॉर्मूले में अगर कोई बदलाव किया तो नए चेहरों को आगे लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो नीरज ने अभी उठाया, चूंकि पार्टी के सामने लक्ष्य साल 2024 है, 400 सीटों का जो एक टारगेट फिक्स किया गया है उसको लेकर के, तो ऐसे में नए चेहरे पर कितनी ज्यादा रिस्क ली जा सकती है, ये फैक्टर सबसे अहम होगा। वसुंधरा राजे का दिल्ली जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, पार्टी के नेताओं ने उन्हें बुलाया है। संसदीय बोर्ड के बाद ये तय है कि वसुंधरा कुछ वहाँ नेताओं से मुलाकात करेंगी। अब वसुंधरा से मिलकर पार्टी या तो उन्हें मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आज भी 45 विधायक वसुंधरा समर्थक हैं और उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी विवेक, तो ये काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि समर्थक हैं इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज की मुलाकात के बाद उम्मीद है कि बहुत कुछ साफ हो जाएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े थे, अभिषेक उपाध्याय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज पांडे का धन्यवाद, मनीष शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।